नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में भाग रेखा से जुड़े एक पार्ट और बताते हैं आपको, दूसरा अध्याय कैसे, क्योंकि करियर बहुत तरह के होते हैं और हमारी भाग रेखा भी कई तरह के होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और यह विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए सबसे पहले अपने तीन हाथ की मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। कहते हैं ना, जीवन की घटना, जीवन की एक्टिविटी हमारी जीवन रेखा बताती है। और इसी प्रकार से हमारी बुद्धि रेखा हमारे विचारों के बारे में बताती है, हम किसी बात को कितने गहरे ख्यालों में जाते हैं उसके बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा, हमारे अंदर प्रेम प्रवाह कितनी है, धड़कन कितनी है, हमारी हृदय रेखा बताती है। तो सबसे पहले हमने देखा है कि हमारे भाग की जो शुरुआत होती है, कई लोगों का बचपना बड़ा अच्छा होता है और बड़े अच्छे काम करते हैं, लेकिन कई बार कुछ समय बीत जाने के बाद उनका व्यवसाय या तो बंद हो जाता है या तो परेशानियों में पड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारी भाग रेखा का उसमें अहम रोल माना जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं जो प्रारंभिक विचारों को, जिसको हम बोलते हैं, अगर भाग रेखा आपकी थर्ड मणिबंध से चलकर आपके मस्तिष्क रेखा पर रुक जाती है, ऐसे लोगों को जो प्रारंभिक विचार है, अपने मन के विचारों की बात की हमने, कुछ ऐसा हमारा डिसीजन होता है या कुछ हमारे ऐसी बुद्धि का प्रभाव होता है जो कि हम अपने कार्यों को आगे नहीं कर पाते हैं। हमारे कार्य सिर्फ स्टार्टिंग का तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन बाद में हम किसी न किसी संगत की वजह से या अपने विचारों की वजह से या अपने मन की परेशानियों की वजह से अपने बिजनेस को नहीं चला पाने में सक्षम नहीं है। और ये एज हमारी 35 होती है, जो हमारी मस्तिष्क रेखा में जब भी रेखा हमारी भाग रेखा जोड़ती है तो 35 की एज होती है। और इसी प्रकार से अगर यहां से एक रेखा इसी मस्तिष्क रेखा से हृदय रेखा में मिले, अब ये रेखा क्या बताती है, कई बार हम अपने विचारों से, अपने शुभ विचारों से हम कह सकते हैं अच्छे मार्ग की तलाश की है, अच्छे दिशा की तलाश की है, और अपने अच्छे कार्यों को करके जीवन की तरक्की पर, जीवन के विकास की तरफ लेके बढ़े हैं, ऐसी रेखाएं बताती है। लेकिन कई बार क्या होता है, और ये रेखाएं अगर आपकी प्रॉपर है और यहां से चलती हुई 35 को क्रॉस किया, अपने माइंड को प्रॉपर किया, काम की अधिकता दी, और यहां से एक रेखा इसके साथ चलकर भाग रेखा पर पहुंचती है, मतलब इस भाग रेखा को इसने कवर किया है, लेकिन हमने काम की जो अधिकता थी हमारी, या तो उस काम को हमने ब्रेक किया है, उस काम को छोड़ करके कई बार एक व्यवसाय करने के साथ हम दूसरे व्यवसाय की तरफ झुक जाते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, एक व्यवसाय को छोड़ के दूसरे व्यवसाय की तरफ चले जाते हैं, उसको वहीं पर समाप्त करके, लेकिन उसमें किसी तरह की कोई ज्यादा ब्रेकअप नहीं आएगी। और ऐसे लोग दूसरे व्यवसाय करने की कोशिश करते हैं, उसमें भी अधिक धन कमाने की बात होगी। और इसी के साथ जब भी भाग रेखा की बात होगी, भाग रेखा के ऊपर त्रिकोण बने, त्रिकोण जब भी बनता है
ये त्रिकोण जब भी बने, ये अचानक से धन की बात होगी, अचानक से आपका व्यवसाय ऐसे चलेगा, आपके पैसे की वृद्धि को बताएगा, आपके व्यवसाय की वृद्धि को बताएगा। ये धन भंडार भी हम इसको कहते हैं। हस्तरेखा में इसकी बड़ी महत्ता है, इसका बड़ा अधिक धन के बारे में बताता है। और इसी के साथ कई बार आपने देखा होगा व्यवसाय करते हैं लेकिन कुछ देर के बाद नहीं काम चलता है, ऐसे लोगों का ये बागरे का टूट टूट कर चलना ये अच्छे भाग्य रेखा की निशानी नहीं है। ऐसे लोग थोड़े से दिनों तक काम करेंगे लेकिन थोड़े दिनों के बाद उनके व्यवसाय में चेंजेस आएगा और उनका कह सकते हैं कि किस्मत साथ न देना, कुछ दिन काम चलना कुछ दिन रुक जाना, मतलब भाग्य की प्रबलता अधिकता नहीं है उनके अंदर। और कई लोग आपने देखा होगा भाग्य रेखा सफल है और यहां पर कोई दीप बन जाए, ये दीप बन जाए, दीप हमेशा भाग्य रेखा में रुकावट का काम करता है और ये इतने पीरियड में आपके काम धंधे की अधिकता को रोक देगा, आपके व्यवसाय को लॉस में डाल देगा, आपके गेन को खत्म करेगा। लेकिन अगर इसी दीप को कोई एक वर्गाकार कवर कर दे, अब ये वर्गाकार कवर कर दे, ये मान लो ये दीप है आपका और इसके ऊपर एक वर्गाकार बन जाता है, इसका मतलब अगर आपने व्यवसाय किया है आपको लॉस होते दिख रहा है तो आपने कुछ अपने माइंड से अपने व्यवसाय को चेंज किया है और आप उस घाटे से बच सकते हैं, उस चीज का संकेत यह भी बताता है। और कई बार क्या होता है आपकी भाग्य रेखा प्रबल तो है लेकिन वो बीच में गैप करके चलती है, एक गैप होना, ऐसे लोगों का काम जो होता है कई बार बीच में ब्रेकअप हो जाता है। अगर भाग्य रेखा बीच में कट जाना या कुछ देर के बाद चलना, कई लोग नौकरी को छोड़ देते हैं कुछ दिन ब्रेक होने के बाद या कुछ सालों तक उस नौकरी में, मैंने पाया है कि या तो सस्पेंड हो जाते हैं या डिपार्टमेंट उनको निकाल देता है। लेकिन फिर उस पीरियड में उनका जो गैप का पीरियड होगा, किसी न किसी तरह से वो अपने व्यवसाय में या तो हानि पाएंगे या व्यवसाय उनका ठप्प हो जाएगा। लेकिन जब तक ये पीरियड का गैप होगा, ईयर हम उसको सालों में लेते हैं, उस पीरियड के बाद या तो डिपार्टमेंट उनको दोबारा से बहाल करेगा, अगर बिजनेस की बात होगी तो उनका दोबारा से इस पीरियड में परेशानी के बाद एक अधिकता की बात होगी, एक फिर से व्यवसाय शुरू करने की बात होगी, तो अपने जीवन में फिर उसी व्यवसाय को शुरू करेंगे। और आपने देखा होगा कई बार आड़ी रेखाएं, भाग रेखा तो है आपकी, ये आड़ी रेखाएं हैं। ज्यादातर लोग एक ही बात का जिक्र करते हैं कि मेरे व्यवसाय नहीं चल रहा है और चलता है तो मुझे लॉस हो जाता है, मुझे घाटा हो जाता है, तो उनके हाथ में ऐसी आड़ी रेखाएं निश्चित रूप से होती है और ये रेखाओं का एक बार तो असर आपके व्यवसाय पर अवश्य पड़ेगा और जब असर पड़ेगा तो आपके काम में ब्रेकअप डालेगा, आपके व्यवसाय में रुकावट डालेगा। और कई बार आपने देखा व्यवसाय बहुत अच्छा खासा चलता है आपका, ये व्यवसाय की रेखा है या आपकी भाग्य रेखा,
जब भी आपकी भाग रेखा के ऊपर कहीं भी क्रॉस आता है, उस समय का जो पीरियड होगा वो आपके नुकसान का होगा। मान लो इस शुक्र के क्षेत्र से एक भाग रेखा आपके जीवन रेखा को काटे और दूसरी आपके भाग रेखा को भी काटे। यहां पर काटने की बात की है, अगर ऐसा होता है तो आपके आपके अपने जिसको आपने अपना अजीज माना, अपना दोस्त माना है, प्रेम प्रसंग की वजह भी हम देख कह सकते हैं, उसकी वजह से आपके लाइफ में डिस्टर्बल हुआ है, क्योंकि जीवन रेखा को काटा तो जीवन से जीवन में संघर्ष को दिखाता है। अगर आपकी भाग रेखा को काटा है तो आपके काम में अवरुद्ध का रोचक माना जाएगा, कि मतलब आपके जीवन में भी संघर्ष को मिला और आपके भाग्य में मतलब आपके जो बिजनेस या व्यापार था उसमें भी आपके काम में रुकावटें डालने का संकेत दिया है। और इसी प्रकार से वर्ग कहीं भी होगा आपको भाग्य रेखा में बचाने का काम करेगा। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।